वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद। आज आपके लिए लेके आया हूँ एमएस एक्सेल की नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं इंसर्ट रिबन टैब। जैसे कि आपको पता है, हमने होम रिबन टैब पहले कवर कर रखा है, अब हम शुरू कर रहे हैं इंसर्ट टैब। यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन एंड एडिंस ये कैसे यूज करना है हमें हमारे डेली रूटीन लाइफ में, ये हम आपको स्टेप वाइज बता देंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। सो ये होम टैब है। सपोज आपका कर्सर अगर होम टैब में है एंड आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे इंसर्ट में डिवाइस पे क्लिक करोगे, ठीक है। एंड देन जब चीज़ ये है, हम स्टेप वाइज यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि मैं अभी पिक्चर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे दिस डिवाइस करके, जहाँ से मैं फ़ोटो इम्पोर्ट करूँगा। आप कोई भी एक प्लेस सिलेक्ट करो जहाँ से आपको फ़ोटो यू नो इम्पोर्ट करना है एक्सेल के अंदर, आप वहाँ से प्लेस करके इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ मेरी तस्वीरें हैं, ये मैंने लास्ट जैसे कवर कर रखी थी प्योर टेबल एंड प्योर चार्ट, ये मैंने टेम्पलेट कुछ बनाया था, राइट, कुछ सम पिक्चर्स आ देयर, ठीक है। सो इस तरह से कुछ आप फोटोग्राफ्स इंसर्ट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन। एंड देन वहाँ पे अगर आप देखोगे वहाँ पे तो डिवाइस ऑनलाइन अगर दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन में कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ बलून्स ले रहा हूँ, सॉर्टेड, ये कुछ मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। एंड देन इंसर्ट में अगर वापस मैं जाऊँ वहाँ पे, ठीक है, तो कुछ शेप्स है, जैसे कि शेप्स आपको कुछ अगर डैशबोर्ड बना रहे हो, राइट, विजुअलाइजेशन पर्पज, या फिर बटन का आपको जैसे यूज़ होता है, इस तरह से आप शेप्स कोई भी एक शेप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से जस्ट आपको शेप पे क्लिक करना है एंड देन आपके चॉइस के हिसाब से आपको जस्ट शेप सिलेक्ट करना है, ठीक है। दिस इज द कॉल आउट्स, बेसिकली ये जो कॉमिक्स बुक्स में वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है, ये कॉमिक्स में हम कॉल आउट्स ऐड कर सकते हैं। ये आपको सेम पावर पॉइंट में भी होगा एंड देन वर्ड के अंदर भी सेम यूज़ होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट ऑप्शन ऑन होता है, जैसे अगर आपको कलर चेंज करना है कुछ, ठीक है, कलर कोड पर्टिकुलर ग्राफिक्स का, तो आप सिलेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टैब ऑन होगा आपके लिए एंड देन यू कैन चेंज दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट कलर, ठीक है। अब मैं इस बार चेंज कर रहा हूँ कुछ कलर, ये कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, करेक्ट, वन बाय वन ग्राफिक्स को सिलेक्ट करके, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वो मैं चीज़ें कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हो। एंड देन स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, मैं नेक्स्ट टैब ओपन करता हूँ, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन जैसे कि आपको स्मार्ट ग्राफिक्स कुछ क्रिएट करना हो, राइट, टेबलर फॉर्म में कुछ ऐड करना हो विजुअलाइजेशन के लिए, तो आप स्पेशली वहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मैंने एक सिलेक्ट कर दिया था, यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि कुछ लिख रहा हूँ मैं होम टैब, ठीक है, जैसे कि हमने जो जो कवर कर रखे हैं अभी तक वो मैं कुछ टेबलर फॉर्म में ऐड कर देता हूँ, और फिलहाल के लिए मैं इंसर्ट तलक हूँ, राइट, बट पेज लेआउट एंड फॉर्मूलाज दिस थिंग्स आल्सो आई एम गेटिंग एडेड इन दिस पर्टिकुलर स्मार्ट आर्ट। तो ये कैसे यूज़ करना है एंड देन इसका कलर कैसे चेंज कॉम्बिनेशन हम चेंज करेंगे एज पर दी अवर रिक्वायरमेंट, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड देन पेज लेआउट किया मैंने, देन फॉर्मूलाज देखोगे डेटा, ठीक है, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट रॉ डंप है, आप आपके हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो कमेंट के हिसाब से, राइट दोस्तों। सो ये देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं फॉर्मेट शेप भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, देन कलर कॉम्बिनेशन कुछ अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, आप यहाँ से ऐड करने के बाद आप वो शेप को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे आपको डिज़ाइन टैब में सब चीज़ें दे रखी है आपके हिसाब से, आपको जैसा ऐड करना है यू नो सूटेबल है, ठीक है, आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो, ये कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं ये रख देता हूँ, सिंपल। एंड देन अगेन इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ स्क्रीनशॉट्स, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट्स क्या होता है, बेसिकली जो आप कुछ काम कर रहे हो, राइट, और स्क्रीनशॉट अगर आपको उस चीज़ का लेना हो, जैसे कि आप नॉर्मल स्निपिंग टूल से भी ले सकते हो, बट यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ऑटोमेटिकली आपके पास जितने ग्राफिक्स ओपन है, राइट, सॉफ्टवेयर ओपन रहेंगे उसको ऑटोमेटिकली स्क्रीन क्लिपिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये हर इसको अवेलेबल नहीं होगा ये ऑप्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट में जैसे एज लाइक प्रोसेस वाइज वो ऑप्शन ऑफ भी होता है, तो यहाँ पे मेरे लिए ऑन है, राइट, तो मैं ये चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। गूगल भी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस प्रकार आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, करेक्ट। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट अपना ऑप्शन आएगा गेट एडिंस, ठीक है, यहाँ पे एडिंस एग्जैक्टली यूज किस चीज के लिए होता है,
ठीक है, मैं जस्ट एक टाइप कर देता हूँ, अगर आपको पता नहीं हो तो गेट एडिंस एग्जैक्टली एक प्लगइन टाइप जिससे आपका काम करेगा, एज एन आपको इजी वे में अगर किसी चीज़ को फास्ट में काम करना हो, राइट, कैलकुलेशन हुआ या फिर डायरेक्टली चार्ट्स ऐड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आप गेट एड इन से कर सकते हो। तो ये एड इन बेसिकली फ्रीवेयर भी है और कुछ परचेस भी करने होते हैं, बट यहाँ पे हम फ्रीवेयर दिखेंगे। बट अगेन अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो गेट एडिंस वाले, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है दोस्तों, विदाउट दैट इट वुड बी गेट नो एक्टिवेटेड। सो आई वुड सजेस्ट कीप योर इंटरनेट कनेक्शन ऑन वाइल ऑपरेटिंग दिस फंक्शनैलिटीज। ठीक है, कुछ है इस तरह से, मैं आपको शो करूंगा, कुछ डिटेल लेवल में नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बेसिक लेवल में जिसे हम कवर कर रहे हैं तो फिलहाल इसका यूज़ नहीं है, तो हम इसे पार्क कर देंगे साइड में। ठीक है, ये कुछ एड इन सबको दिखेंगे, राइट, एंड देन यहाँ पे बिंग मैप है एंड देन क्विक एनालिसिस मैप, ये सब चीज़ें आपके डेटा के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें जैसे कि हमने यहाँ पे कवर कर रखा है अभी, इलस्ट्रेशन एंड एडिंस। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे रिकमेंडेड चार्ट एंड 3D मैप। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ डिस्कवर टैलेंट्स में।